हाई फाई। ये देखो गाइस, ये है असली शेर। हर कुत्ता ये कर सकता है, हर देसी कुत्ता ये काम कर सकता है। ये वीडियो उनके लिए है जो क्रुएल्टी वगैरह करते हैं। ये देखिए गाइस, इनकी आंखें देखिए, कितनी प्यारी आंखें हैं इनकी। क्या बहन की, इन्होंने तो मैं तरस नहीं आता। इस तरह लोग गला भी दबाते हैं, यहाँ सर पे डंडा मारते हैं, पीछे डंडा मारते हैं, हाथ पैर बांध देते हैं। भोसड़ी वाले चोद दो चारों हाथ पैर बांध देते हैं, कई बार उधर पूछ से उठा के मारते हैं। इनकी आँखों में देखो कि भाई, इनसे गलती हुई थी, बेचारे नादान हैं, दो ढाई साल के बच्चे हैं बेचारे, अकल नहीं होती इनमें। ये एक और दिखाता हूँ, ये देखो, ये भी भोला सा बच्चा, देखो तुरंत ही फैल गया, कह रहा प्यार करो। क्यों करते हो क्रुएल्टी? देखो आपका बच्चा भी कभी ना कभी ज़िंदगी में गलती तो करेगा। क्या आप उसको इस तरह मारोगे कि वो कोमा में चले जाए या बहनचो से मतलब हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ जाए? आप कभी चाहते हैं ऐसी नौबत आए? थोड़ी शर्म आनी चाहिए। और इसका सॉल्यूशन देखिए यही है, अगर आप क्रुएल्टी रोक नहीं पा रहे हैं तो इसका यही है कि आप इनसे प्यार करें। इनसे प्यार करेंगे तो ही सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके खिलाफ एक्शन लेना इस तरीके से करके तो नफ़रत ही पैदा होगी, और नफ़रत की वजह से तो आप ये काम कर रहे हैं। तो नफ़रत मिटाएंगे तो सही रहेगा। इनकी आंखों में देखा करिए, जब भी मन करे ना मारने का, इनकी आंखों में देखिए। ये देखिए कितने मासूम लग रहे हैं बेचारे, मन भी नहीं करता कि हल्का से भी टच करा जाए इन्हें। शेर पुत्र है दोनों मेरे, शेर पुत्र। ये भी बात है कि ये बेचारे अब घर में आ गए तो थोड़ी लाइफ वगैरह सुधर गई है। पट्टी इधर देख, बाकी देखिए इन बेचारों का सड़क पे क्या हाल होता है। जब भी छोटे से पैदा होते हैं बेचारे, जब से मासूम होते हैं, जब से तड़प रहे होते हैं, खुजली से परेशान, हर चीज़ से परेशान रहते हैं। थोड़ा कोई गोदी वगैरह ले लेता है तो ज़िंदगी सवर जाती है, वरना तो दुख से ही गुजरती है। कभी खाना मिलता है, कभी खाना नहीं मिलता है। बटुकलू ओए बटुकले, हाय फाय। ये देखो गाइस, ये है असली शेर। हर कुत्ता ये कर सकता है, हर देसी कुत्ता ये काम कर सकता है। पागल है क्या? शेक हैंड, वेरी गुड। बैठ जा पहले, बैठ। वो हाई फाई करो, हाई फाई। बटुक हाई फाई कर, वेरी गुड। शेक हैंड ओए, जल्दी शेक हैंड कर, यह वेरी गुड। तो वो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि क्रुएल्टी वगैरह ना करें, मारे वगैरह ना, और नफ़रत करने वाली कोई बात ही नहीं है इन लोगों से। ठीक है भाई, आपका घर वगैरह गंदा कर देते हैं, घर के बाहर गंदा कर देते हैं, तो आपको गुस्सा आता है, थोड़ा गुस्से को कंट्रोल कीजिए और इनके भोलेपन पे इन्हें माफ़ कीजिए। और हो सकता है अगर आपने कभी किसी कुत्ते को नुकसान पहुँचाया ज़िंदगी में, तो कॉलर आते हैं उनके लिए, रिफ्लेक्टिव कॉलर बोलते हैं, वो गले में चमकते हैं, तो आप वो पहना सकते हैं। इससे क्या होगा, रोड एक्सीडेंट से डॉग बच जाएंगे। और काफ़ी कुछ आप इनके लिए कर सकते हैं, एंटी रेबीज़ वगैरह लगवा सकते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह लगवा सकते हैं। और तो और सबसे अच्छा काम है, इनकी नसबंदी करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। तो इतना ही बोलना है, मैंने कई बात प्यार से बोलते तो ज़्यादा अच्छा है, एकाएक को मतलब लड़ाई झगड़े वगैरह करें यार।